का आयोजन हो रहा है और सालों पुरानी परंपरा एक बार फिर से रंगपंचमी भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर बड़ी हस्तियाँ शामिल हैं, हालांकि चेहरे साफ नज़र ज़रूर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं और साथ ही प्रदेश सरकार के कई बड़े चेहरे, मंत्री और विधायक भी इसमें शामिल हुए हैं। चूँकि रंग सभी के चेहरों पर है, गुलाल लगा हुआ है और देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये राजवाड़ा से होते हुए रंगों से सतरंगी पूरी ज़मीन और पूरा आसमान आज नज़र आ रहा है। अब ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, इसका इंतज़ार सालों तक किया जाता है, दूर दूर से मेहमान यहाँ पर आते हैं इस गेर को देखने के लिए। और इस गेर का आयोजन दुनिया में मशहूर है, पूरे देश में मशहूर है, क्योंकि आपको हमने सुबह से भी तस्वीरें दिखाई थी जब अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ तक यूनेस्को की टीम भी यहाँ पर इस गेर के आयोजन में इसको देखने के लिए पहुँचेगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो पूरे इंदौर में आज पूरा इंदौर रंगपंचमी की रंग में रंगा नज़र आ रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोगों ने अलग ग्रुप बना रखे हैं और इस ग्रुप के माध्यम से जो आमजन वहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और हर बार एक नई छटा देखने को मिलती है। चूँकि इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं, साथ ही आज रंग पंचमी की रौनक पूरे प्रदेश में तो देखी ही जाती है, लेकिन इंदौर में रंग पंचमी का एक अलग ही महत्व रहता है। और ये तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें इंदौर से गेर का आयोजन, और ये एक बहुत उल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व, चूंकि देश भर के कोने कोने से लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। कहीं रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, कहीं पानी की बौछार होती है और इस तरीके से सभी लोग खुशियों के साथ रंग पंचमी का त्यौहार मनाते हुए, डांस करते हुए, नाचते गाते काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और देखिए रंग पंचमी की धूम पूरे इंदौर शहर में आज देखी जा रही है। तो बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार रहता है। जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप अगर सामने से इस तरीके के आयोजन में शामिल होंगे तो जाहिर से बात एक अलग ही रोमांचक महसूस करेंगे, क्योंकि लाइव देखना और वहां पर मौजूद रहना बहुत ही उल्लास के साथ, जोश के साथ यहां पर गेर मनाने की परम्परा है और करीब 72 सालों से ये गेर मनाया जा रहा है यहाँ पर। जो अलग अलग ग्रुप में लोग झांकी जैसी पूरी गाड़ी सजा लेते हैं और इसमें रंग गुलाल रख लिया जाता है, लोगों के ऊपर रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये गेर होता है। और इस दौरान ना ही कोई घटना होती है, ना ही कोई विवाद होता है, क्योंकि जितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं इसे काबू करने के लिए या फिर इसे व्यवस्थित रखने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहता है, कोई उपद्रव ना हो, कोई हंगामा ना हो। और ये देखिए किस तरीके से गेर के आयोजन के दौरान प्रदेश में रंगपंचमी की रौनक इंदौर में देखने को मिल रही है और इस गेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। और अब ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये इसलिए भी दिखाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग रंगों से आपको रंगे हुए नज़र आएंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें पहने हुए नज़र आएंगे। जैसे कि आपने देखा एक छोटी बच्ची जिसने अपने फेस से भी कहीं ज़्यादा बड़ा चश्मा पहना हुआ था और रंग बिरंगे कलर के बाल, हेयर जो विग होती हैं वो लगा कर नज़र आते हैं और इसका भी एक अलग ही महत्व होता है। मुखौटे लगाकर लोग घूमते हैं और खूब नाच गाना धूम धड़क्के के साथ गेर निकाली जाती है और इस गेर में आप देखेंगे युवाओं में खास तौर पर सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। सफ़ेद कलर की टी शर्ट मोस्टली लोग पहनते हैं और रंग गुलाल उड़ाकर, चश्मा लगाकर खूब नाचते गाते देश दुनिया भर में आज रंग पंचमी का त्यौहार है। लेकिन आज इंदौर में अगर आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही यहाँ पर जोश देखने को मिलेगा।
और आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर जिस तरीके से जितने भीड़ के बीच में गेर मनाया जा रहा है, जब ये भीड़ शांत होगी सभी अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। 24 घंटे के अंदर पूरा इंदौर बिल्कुल साफ सुथरा व्यवस्थित आपको नजर आएगा। आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि कुछ घंटों पहले यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हुआ था, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और गेर के आयोजन में रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर पूरा इंदौर बिल्कुल स्वच्छ आपको नजर आएगा। यही खासियत है इंदौर की और यही कारण है कि इंदौर नंबर एक पर लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में रहा है। तो रंग पंचमी की धूम की तीन बड़ी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। लोग गाड़ियों से गुलाल रंग उड़ाते हुए निकल रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो झांकी की शक्ल दे दी जाती है पूरी गाड़ी को, और इस गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं वो आम जन के ऊपर रंग गुलाल उड़ाते हुए नज़र आते हैं। देखिए, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं जो कि इस गेर में शामिल हैं और खूब धूम मचा रहे हैं। तो गेर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, हालांकि उनका चेहरा साफ आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि सभी जगहों पर रंग गुलाल उड़ा हुआ है और इसके चलते आप समझिए कि जो आयोजन हो रहा है काफ़ी पुरानी, तकरीबन 72-73 साल पुरानी ये परंपरा है और ये अनवरत लगातार चली आ रही है। होली वाले दिन तो धूम रहती ही है, लेकिन रंग पंचमी का एक अलग ही जोश रहता है, एक अलग ही ऑरा रहता है पूरे इंदौर में और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अमूमन देखा जाता है कि छुट्टियों में लोग जाते हैं होली का त्यौहार मनाने के लिए, लेकिन इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ के लोग गेर रंग पंचमी के दिन छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होना होता है और बहुत बड़ी संख्या होती है। राजवाड़ा इलाका है, काफ़ी फेमस इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, बैंड बाजों के साथ, बैंड बाजे गाजे के साथ गेर निकाली जाती है। और ये देखिए, जब आमजन के ऊपर पानी की फुहार छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं सीएम, और गेर मनाने की परंपरा सालों पुरानी है, रंग गुलाल उड़ाते हुए भी यहाँ पर लोग नजर आए हैं। तो गेर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रंग पंचमी की धूम, गेर में सीएम देखिए आप सभी के ऊपर पानी की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं और रंगों में सारा बोर पूरा ये इलाका नजर आ रहा है। बच्चे बूढ़े सभी वर्ग के लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से गेर की परंपरा को पूरा करते हुए धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, हम देख पा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, बहुत ही धूमधाम के साथ आज प्रदेश में अलग ही रौनक देखने को मिल रही पूरे इंदौर में। जी मिथिलेश, आपको आवाज आ रही है, हम देख पा रहे हैं कि पूरा जमीन से लेकर आसमान तक सतरंगी हुआ है। तो चूंकि काफ़ी भीड़ रहती है और बात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां गेर में सीएम शामिल हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सामने वे नज़र आ रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, जहाँ रंगों से सतरंगी आसमान और धरती नजर आ रही है। एक बार फिर से मिथिलेश का रुख करते हैं। मिथिलेश, बहुत ही रौनक, बहुत ही धूमधाम के साथ आज गेर का आयोजन हुआ है। बिल्कुल, बड़े धूमधाम से आज गेर का आयोजन हुआ है और ये तस्वीर जो है इस बार की, जो गेर की तस्वीर नजर आ रही है, ये अब तक की गेर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है क्योंकि प्रशासन को जो उम्मीद थी 3-4 लाख लोग, वो अब तक तो आ चुके हैं और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यूनेस्को के लिहाज से ये तैयारियां की गई थी, लेकिन इस बार जो क्रेज है वो अलग ही क्रेज नजर आ रहा है लोगों में और
जबरदस्त माहौल इंदौर में। जैसे जैसे समय पड़ता जा रहा है वैसे वैसे राजवाड़ा पर होली खेलने वालों की हुजूम भी बढ़ती जा रही है। घेर में शामिल हो चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ में कैलाश विजयवर्गीय है, पाली गोड़ 4 नंबर से विधायक है और उनकी जो गेर निकाली जाती है हिंद रक्षक, उस गेर पर इस वक्त वो है, उस गेर रथ पर सवार और गोराखुंड चौराहे तक मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कंट्रोल रूम में इस वक्त मैं भी मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह, इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त यहां पे मौजूद है और यहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से सीसीटीवी से हर एक मूवमेंट पर नजर रखा जा रहा है। अगर कोई हुड़दंगी है तो उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सामने अभी तक बात सामने नहीं आई, न ऐसी कोई घटना सामने आई और इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो इंदौर का उत्सव है बहुत सुरक्षित है, बहुत सेफ है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ आते हैं, अपनों के साथ खेलने आते हैं, जो बाहर से आते हैं उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। यानी सिर्फ यहाँ जो तस्वीर नजर आ रहे हैं ये सब एक ही परिवार के लोग हैं और सभी के चेहरे एक जैसे हो चुके हैं और जो रंग है उस रंग में सबके रंग डूब चुके हैं, तो चेहरों का रंग एक हो चुका है, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का रंग एक हो चुका है और आज आसमान जो है वो सतरंगी हो चुकी है, मस्ती में झूम रहे, गा रहे लोग। और देखिए 36-37 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त इंदौर का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को, 33 टेम्परेचर में लगातार लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त मेरे साथ में जो इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह सर है, शायद इनसे ही मैं आपकी अपनी फोन बात कराने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, नीचे की तरफ से कुछ लोग ऊपर भी नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। जो अधिकारी इस वक्त ऊपर है हम भी उनके साथ ऊपर ही है, थोड़ी देर बाद हम नीचे जाएंगे, लेकिन अगली आवाज शायद मैं आपसे बात कराने का प्रयास करता हूँ। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह सर है, आप इनसे सवाल ले सकते हैं, आप में इस वक्त बात करने बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश आशीष जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हेलो जी आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आशीष जी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में बहुत बड़ी संख्या है, इसे मैनेज कर पाना, व्यवस्थित कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती लग रहा होगा, क्योंकि गेर का आयोजन है, दुनिया पूरे देश से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, कैसे व्यवस्था ये मैनेज हो पा रही भीड़? देखिए निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और बहुत बड़ी संख्या में इंदौर वासी नहीं बाहर से भी लोग गेट मनाने इस बार आए हैं जी, और हमको पूरी उम्मीद थी कि इस बार संख्या और बढ़ेगी, पिछली बार के मुकाबले लगभग 1.5 गुनी संख्या में लोग यहाँ पर गेट मनाने आए हैं, तो हमारी तैयारियां भी उसी के अनुरूप थी। हम लोगों ने सेक्टर वाइज व्यवस्थाएं बनाई है, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए सारे इंतजाम हम लोगों ने सिक्योरिटी के किए हुए हैं जी। इसके अलावा हमारे लोगों की विजिबिलिटी रहे और अगर कोई भी जिस तरीके की चीज होती है तो उसके लिए अलग अलग हम लोगों ने मिनी कंट्रोल सेंटर भी बनाए हैं और जो मेन कंट्रोल सेंटर है वहां पर बैठकर सभी विभागों के लोग बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी कर रहे हैं। एक नई चीज जो हमने चालू करी थी कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल कराने के लिए बाहर से भी लोगों को इसमें गेर का आनंद ले सके, इस हेतु ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था जो रूट की छतें हैं उनकी हमने करी थी और बहुत सारे लोगों ने इसमें सहभागिता भी करी है। कुल मिला के बहुत ही पारंपरिक तरीके से और भव्यतम स्वरूप में इस बार की गेर निकल रही है और सभी लोग बहुत ही उमंग के साथ में लेकिन अनुशासन के साथ में से पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। बिल्कुल, और हम ये भी देख पा रहे हैं आशीष जी कि यहाँ पर बच्चे और महिलाएं भी शामिल इस गेर में, और सबसे खास बात कि मुख्यमंत्री खुद इस गेर में शामिल होने के लिए नजर आ रहे हैं, पहुंचे हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा, और हम सुबह भी देख पा रहे थे देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं छुट्टी लेकर इस गेर में शामिल होने के लिए, यानी कि इंदौर एक नई पहचान बना तो चुका ही है, नए नए कीर्तिमान भी स्थापित करता जा रहा है। आशीष जी निश्चित रूप से इस बार की गेर में जो देखने को मिल रहा है कि इस बार न केवल इंदौर से बाहर देश के अलग अलग हिस्सों से कई सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, विदेशों से कई सारे एनआरआई भी इसमें शामिल हुए हैं, जो दिखाता है कि इसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है। निश्चित रूप से यहाँ की जो परंपरा और स्वरूप है पहले से ही भव्य है, लेकिन सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इसके बारे में लोगों को खबर लगी है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन शुरू से ही हम लोग उत्साहित थे और हम लोगों ने जो तैयारियां करी हैं
उसका परिणाम है कि बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी की पूरी गेंद। बिल्कुल। और आशीष जी एक सवाल और है, क्योंकि इंदौर में सारे आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से होते हैं और अनुशासन के साथ होते हैं, और जब भी पूरे आयोजन हो चुके होते तो हम देखते हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, और इसके चलते बहुत बहुत बधाई आपको हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, इतना प्रोग्राम सफल बनाने के लिए, क्योंकि देश दुनिया के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस गेर में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हैं। मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीधा लिए चलते हैं यहां पर, जहां इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, हर कोई गुलाबी, पीले, हरे, नीले, लाल रंगों में रंगा हुआ है। और ये गुलाल का ये रंग है, ये गुलाल का ये रंग पंचमी का असर है। तो अलग अलग तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी रंग पंचमी त्योहार की तस्वीरें हैं, जहां हवा में उड़ रहा गुलाल इस वक्त सभी को रंगों में सराबोर किए हुए है, और हर कोई एक ही जैसा नजर आ रहा है। ये खासियत है इस रंग पंचमी के इस त्योहार की, सबको एक सा बना देती है, सबको एक समान कर देती है ये रंग पंचमी। रंगों से सराबोर लोग, हर तरफ से उड़ रहा है गुलाल, और गुलाल उड़ाते लोग, मस्ती करते लोग। आप देख सकते हैं तस्वीर में गेर निकाली जा रही है। गेर, जो लोग इस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि गेर आखिर क्या है और क्या इसका महत्व है, तो आप इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि ये एक जत्था है, कुछ लोगों का समूह है जो रंगों का ये उत्सव रंग पंचमी मनाने के लिए निकल पड़ा है, और ये गली गली से होते हुए एक निश्चित तय स्थान पर पहुंचेंगे। और घेर में पहुंचे क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या लड़के और क्या लड़कियां, सभी यहां पर इस गेर में शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए क्या तेज़ धार वाली पिचकारी है, जो दूर तक पानी फेंकती है और सबको अपने साथ इस रंग पंचमी में भिगो लेती है। रंग पंचमी की ये तस्वीरें हैं जो रंगों से सराबोर आप चेहरे देख रहे हैं। ये चेहरे खुश हैं, ये चेहरे आनंद में है इस वक्त। ये आनंद है रंग पंचमी का, और ये इस परंपरा को आज से नहीं, 2, 4, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 साल नहीं, बल्कि 72 साल हो गए। 72 सालों से ये रंग पंचमी मनाई जा रही है, और प्रदेश में रंग पंचमी की रौनक आप देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें नज़र आ रही हैं। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस गेर में वो शामिल हुए हैं, और हिंद रक्षक संस्था जो इस रथ को जिन्होंने तैयार किया है, और ये संस्था प्रमुख रूप से हर साल इसी तरह से गेर निकालती है, और इस गेर में जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं वो मगन कर देने वाली तस्वीरें हैं। हर कोई मगन है, और अलग अलग गेर निकाली जा रही है, आप देखें तस्वीरों में, तो ये अलग अलग जत्थे, अलग अलग समूह में लोग निकल कर आ रहे हैं और एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं। मानो पर्वत से निकली नदी मैदान से होते हुए आकर सागर में मिल गई हो, ऐसी ही गेर। एक किसी घर से कुछ लोग निकले और किसी दूसरे घर से कुछ और लोग निकले, ऐसे मिलते मिलाते जुड़ते गए और आ करके इस जगह पर इकट्ठा हुए, जहाँ पर गेर की ऐसा समागम जिसमें एक नहीं, दो नहीं, कई गेर शामिल हो गई हैं, और छोटी बड़ी गेर जो इस वक्त एक ऐसे सागर में परिवर्तित हो गई हैं, रंगों का ऐसा सागर जो
अलग अलग जगह से भले ही आया हो, लेकिन सागर में मिल जाने के बाद पता लगाना मुश्किल है कि नदी कहाँ है और सागर कहाँ। कुछ ऐसा ही दृश्य इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और प्रदेश में रंग पंचमी की इस रौनक, इस भव्य छटा, इस उत्साह, इस उल्लास, इस उमंग, इस जबरदस्त उत्साह का ये परिणाम है कि गेर में जो 2 से 3 लाख लोग आने हैं वो अब आना क्या आ चुके हैं और अभी कुछ और लोग आएंगे, क्योंकि ये 4 से 5 बजे तक चलने वाला जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में और न जाने कितने ही लोग अभी और शामिल होंगे जिनका कि आंकड़ा लगा पाना थोड़ा और मुश्किल होगा। हालांकि इसका एक तरीका ज़रूर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज बहुत हाई हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का आज के समय में जो इस्तेमाल है और टेक्नोलॉजी का जो उसकी जो पकड़ है वो हमारी ज़िंदगी में और गहरी हो चुकी है। तो एक तरीका जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है अक्सर ये पता लगाने के लिए कि कितने लोग हैं, आप चूँकि आज जो हर व्यक्ति लगभग चाहे वो किशोर हो, युवा हो, वयस्क हो या अधेड़ हो या बुज़ुर्ग, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो हर कोई करता ही है। तो यहाँ पर कितने मोबाइल नेटवर्क्स एक्टिव हैं, कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव हैं, चूँकि हर वक्त लगभग 24 घंटे आदमी मोबाइल में ही चिपका हुआ है, मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है, मोबाइल में ही घुसा हुआ है हर कोई। और आज भी ये पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके कि कितने नेटवर्क यहाँ पर एक्टिव हैं, वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितने लोग यहाँ पर हैं। और अब ये तस्वीर जो आप देखिए, इसके आंकड़े भी शाम तक आ ही जाएंगे कि आज कितने लोग इसमें शामिल हुए, और आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसको देख करके अंदाज़ा लगा पाना तो थोड़ा मुश्किल है कि आखिर क्या यहाँ पर 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख लोग इकट्ठा हुए। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इस बारे में ज़रूर शाम तक कोई ना कोई अपडेट देंगी और इसके बारे में हम भी जो डिटेल्स हैं आप तक पहुंचाएंगे कि इस गेर में कितने लोग शामिल हुए हैं। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा था वो तरीका दरअसल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के टावर्स से जुड़ा हुआ है, मोबाइल टावर, जिससे कि कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है कि कितने सिम कार्ड्स एक्टिवेट हैं, आगे आसपास उस क्षेत्र में कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव हैं, तो वो कैलकुलेटेड जो वो गणित जो संख्या है उसकी गणना करके ये आराम से सरलता से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कितने लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जो अभी तक प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई थी उसमें 2 से 3 लाख लोग इसमें शामिल होने की बात कही जा रही थी, और रंग पंचमी के इस अवसर पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस रंग पंचमी का जो ये आयोजन है ये यूँ भी खास है क्योंकि 72 साल इस गेर को मनाते, गेर को निकालते और ये रंग पंचमी का उत्सव मनाते हो गया है समय, और इस उत्सव में शामिल होने के लिए न सिर्फ इंदौर के अलावा और भी कई जो ज़िले हैं और ख़ासकर अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस गेर में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कुछ और भी उनके कैबिनेट के सहयोगी पहुंचे हुए हैं इस गेर में। इंदौर इस वक्त गेर से सराबोर है, रंगारंग ये कार्यक्रम चल रहा है।